This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। बंगाल में महिला को सरेआम पीटने के मामले पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल से एक भयावह वीडियो सामने आया है जो उस क्रूरता की याद दिलाता है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि आज से आईपीसीसी, आरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले तीन आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। 90-99% तथाकथित नए कानून कट कॉपी और पेस्ट का काम कर रहे हैं। तीन नए आपराधिक कानूनों पर भारत सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील गीता लुथरा ने कहा है कि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतने सारे फैसलों का सारांश इन नए कानूनों में डाल दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। आज से 19 जुलाई तक विधानसभा का सत्र चलेगा। इस दौरान 14 बैठकें होगी। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा है कि यह बीजेपी ओडिशा प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। हमारे पास ओडिशा में डबल इंजन की सरकार है। अपने फिल्म महाराज के बारे में अभिनेता जुनैद खान ने कहा है कि 2017 से नाटकों में अभिनय करते थे और उन्हें फिल्म ऑडिशन के लिए भी बुलाया जाता था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 सालों में जो काम किया उस तरह का काम कांग्रेस 60 साल तक नहीं कर पाई है। आज और यानी 1 जुलाई से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। इनमें भारतीय न्याय संहिता यानी BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA शामिल। विश्व विजेता भारतीय टीम आज शाम बारबाडोस से रवाना हो सकती है। टीम मंगलवार को दिल्ली पहुंचेगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। गाजीपुर और मिर्जापुर भी वे जाएंगे। दिल्ली में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात और राजस्थान के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम पर BCCI मेहरबान हो चुके। बोर्ड ने तुरंत 125 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी टीम के लिए कर दिया है। 3 नए आपराधिक कानूनों के तहत दिल्ली में पहला मामला दर्ज हो गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पहली FIR दिल्ली की कमला मार्केट थाने में दर्ज कराई गई। भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर ने भारत की जीत पर जश्न मनाने वालों पर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा है कि क्रिकेट और हिंदू राष्ट्र जैसे झुंझुनों से खुद को कब तक बहलाओगे। पुणे के लोनावला इलाके में भूसी बांध के पास झरने के पानी में डूबने से एक महिला और 2 लड़कियों की मौत हो गई है। वहीं 3 बच्चे लापता है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें ट्रेन की छत से पानी टपक रहा है और कुछ युवा छाता लगाकर एंजॉय कर रहे हैं। आइए, सुजाता सैनी को महाराष्ट्र का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। राज्य में वो इस पद पर बैठने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। शरद पवार ने कहा है कि सीट साझेदारी पर अभी चर्चा शुरू नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही शुरू होगी। जनता ने लोकसभा चुनाव में NCP, SP और कांग्रेस को अच्छा रिस्पांस दिया है। BCCI और ICC के पूर्व चेयरमैन शरद पवार T20 विश्व कप में भारत की जीत से काफी उत्साहित। उन्होंने कहा कि यह बेहद ही खुशनुमा पल है। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में कराए जाने की संभावना। इससे पहले राजनीतिक पार्टियों में दल बदल की स्थिति नजर आ रही है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला NBC न्यूज़ पर यही लगातार चलता रहेगा। आप बने रहें हमारे साथ NBC न्यूज़ पर। नमस्कार।